आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं खेत तालाब योजना के बारे में। ये उत्तर प्रदेश सरकार की ये एक नई पहल है, एक नई योजना की शुरुआत हुई है। काफ़ी जगहों पर शुरुआत हो चुकी है, अपने यहाँ पर भी बस हो ही गई है अपने सभी ज़िलों में, ठीक है। और इसके बारे में हम आपको पूरी डिटेल से जानकारी देते हैं कैसे इस योजना का लाभ ले सकते हैं और इसमें 50% सरकार सब्सिडी भी देगी, वो सब जानकारी हम आपको डिटेल से वीडियो में बताएंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अभी से, ताकि और भी वीडियो की आपके पास नोटिफिकेशन आ सके जब भी हमारे चैनल पर कोई नई वीडियो आती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम बात करने वाले हैं खेत तालाब योजना के बारे में। तो ये भी एक नई योजना ही है, लगातार एक योजना है सरकार लागू कर रही है, ला रही है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये जानकारी मेरे पास 4-5 दिन पहले ही आ गई थी, लेकिन बस वीडियो हम नहीं बनाए थे, तो आज आप लोग देख लीजिए इसके बारे में क्या कैसे है, किसको इस योजना का लाभ मिलेगा, कैसे मिलेगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश के किसानों को सिंचाई, बुआई, बीज, खाद, कृषि उपकरण सहित लाभ पहुँचाने के साथ खेत तालाब योजना पर बल दे रही है, किसानों को हर स्तर पर सुविधा दे रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परंपरागत ढंग से सिंचाई के खेती तालाब योजना लागू की है। इस योजना के से प्रदेश के सभी किसानों के लिए है। योजना के अंतर्गत प्रत्येक किसान जो अपने खेतों के आसपास बीच में तालाब बनाएंगे, उन्हें राज्य सरकार की ओर से सब्सिडी प्रदान की जा रही है। प्रदेश सरकार की योजना को शुरू करने के लिए खेत में बीचों बीच, इसके बाद आप देख सकते हैं कि इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य यह है कि बरसात का पानी जमा कर किसानों की खेती सिंचाई में मात्रा को बढ़ावा दें और इससे किसानों को दोनों तरफ से लाभ प्राप्त होगा। किसान खेत के फसल की सिंचाई के साथ साथ मत्स्य पालन भी कर सकते हैं और सरकार की खेत तालाब योजना से भूगर्भ जल में बढ़ोतरी भी हो रही है और किसानों को फसल में अच्छा उत्पादन भी हो रहा है। उत्तर प्रदेश खेत तालाब योजना किसानों के लिए शुरू की गई है, यानी कि इस योजना का लाभ किसानों को मिलेगा। इस योजना के माध्यम से प्रत्येक किसान जो अपने खेत के सामने या बीच में, हाँ, खेत जहाँ बारिश का ज़्यादा पानी इकट्ठा होता है, अगर वहाँ किसान तालाब बनाते हैं तो किसानों को इस योजना के तहत 50% तक सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस तालाब को बनाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि बरसात के मौसम में 2-4 दिन तक लगातार बारिश के समय जो बरसात पानी फसलों को बर्बाद कर देता है, उसे तालाब बना इकट्ठा कराया जाए। इससे किसानों की फसल सुरक्षित रहेगी और इकट्ठे पानी से किसानों की सिंचाई के लिए ट्यूबवेल का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। साथ ही जिन किसानों के पास सिंचाई के लिए मोटर सुविधाएँ जो उपलब्ध नहीं हैं, बिजली से चलती हों, वहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो उन किसानों को, ठीक है, पानी की सुविधा देने के लिए तालाब बनवाए जाएं, ताकि किसानों की खेती में सिंचाई करने में किसी भी प्रकार की समस्या उठानी ना पड़े। तालाबों में किसान बरसात एवं अन्य स्थानों में आने वाले पानी को एकत्र कर सकेंगे और फसलों को ठीक से सिंचित कर सकेंगे। इच्छुक लाभार्थी यानी कि किसान राज्य सरकार द्वारा की गई इस योजना में लाभ लेना चाहते हैं तो उन्हें योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। योजना के शुरू होने से सभी किसान जो पहले पानी की समस्या को लेकर तालाब बनाने के लिए असमर्थ थे, अब वह आसानी से योजना का लाभ उठा सकेंगे, खेतों में तालाब का निर्माण कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश खेत तालाब योजना भूगर्भ जल के स्तर से वृद्धि लाने को भी सहायक हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश खेत तालाब योजना का लाभ लेने के लिए किसान को उत्तर प्रदेश राज्य का निवासी होना चाहिए और इस योजना का लाभ उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक, लघु, सीमांत किसानों को भी मिलेगा। इस योजना का लाभ परिवार में केवल एक ही किसान के पास बैंक खाता होना आवश्यक है। बैंक अकाउंट आधार से लिंक भी होना चाहिए। वर्तमान सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र में, आप यहाँ पर देख सकते हैं, वर्तमान सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र में 2549 खेत तालाबों एवं प्रदेशों के अन्य अतिदोहित तालाबों का निर्माण कार्य पूरा कराया है। इस वर्ष में 2017-18 में कुल इतने और कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत वर्ष 2000
2018-19 में 5000 खेत तालाबों का निर्माण कराया गया। योजना अंतर्गत निर्मित खेत तालाब पर स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली की स्थापना हेतु लघु एवं सीमांत कृषकों को 90%, अन्य कृषकों को 80% अनुदान अनुमन्य है। वर्ष 2019-20 में योजना अंतर्गत 5261 तालाबों का निर्माण कराया गया। 2020-21 में 4427 और 2021-22 में 10000 खेत तालाब निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। मार्च 2022 तक 5860 खेत तालाबों का निर्माण किया गया। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में मार्च 2022 तक आप देख सकते हैं 27,316 से अधिक खेत तालाब का निर्माण कराया गया, जिससे किसान अपनी हजारों एकड़ फसल की सिंचाई मत्स्य पालन करते हुए खाद्यान्न उत्पादन कर आर्थिक स्थिति मजबूत कर रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ध्येय है कि प्रदेश के किसान खेत तालाब योजना का लाभ उठाते हुए अपना विकास करें। प्रदेश सरकार ने आगामी वर्षों में 1,00,000 खेत तालाब बनवाने का लक्ष्य रखा है, जिसको साकार करने के लिए कृषि विभाग के अधिकारी लगातार किसानों से संपर्क करते हुए तालाब बनवा रहे हैं।